माय डियर स्टूडेंट्स, ये है कक्षा 3 गणित की पुस्तक गिनतारा, जो कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित होती है। इस पुस्तक के सभी अभ्यास करेंगे आप, हमसे जुड़ जाएं। और ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा चैनल है जहां पर आप, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप किसी भी क्लास में अपने सभी पाठ, कविताएँ, कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ। तो कक्षा 3 की गिनतारा, ये किताब का पहला पृष्ठ है जहाँ पर हमें बच्चे को अपना बायोडाटा लिखना, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम, और ये रहा पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन। तो यहाँ पर किस माह में क्या हमको पढ़ना है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, नोट भी कर सकते। क्लास 3 का सिलेबस क्या है, 9999 तक की संख्याओं को पढ़ना, देवनागरी, अंतर्राष्ट्रीय एवं रोमन अंक के बारे में जानकारी करना, संख्याओं का जोड़ना, संख्याओं का घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, ज्योमिति, धन, समय मापन, तौल मापन, धारता मापन, लंबाई मापन। तो जो क्लास 2 में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी का थोड़ा विस्तृत रूप रहेगा यहाँ पर। क्लास 2 अपलोड की जा चुकी है, आप उस बुक को भी देख सकते हैं। यहाँ क्या कहाँ, यानी कि संख्याओं का घर किस पेज पर, तो ये आप वीडियो को पॉज करके बहुत ही आराम से देख सकते हैं किस पेज पर आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। और चलिए अब पहला पाठ, पाठ 1, संख्याओं का घर। तो ये एक शॉप है, राजू की दुकान। तो यहाँ पर कुछ लिखा है, इसमें किस बॉक्स में कितनी टाफियाँ हैं, संख्याओं का घर, टाफ़ी के कितने डिब्बे हैं, सबसे छोटे डिब्बे में कितनी टाफ़ी हैं आपको देखना है, लिखना है, सबसे बड़े डिब्बे में कितनी टाफ़ी है, सब डिब्बों में कुल कितनी टाफ़ी है। तो यहाँ पर आपको जोड़ना है, और कुल टाफ़ी जो संख्याएँ हैं यहाँ पर, जैसे कि 999, और यहाँ पर 999 में एक, यानी कि एक टाफ़ी और मिला दी है। देखिए, तीन अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तो 9 से ही बनती है, और छोटी से छोटी संख्या हमेशा 1 से बनेगी, उसके आगे 0 लगेंगे। तो यहाँ पर 999 में एक जोड़ने के बाद 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। 9 इकाइयाँ एक जोड़ दी तो ढाई, 9 ढाइयाँ एक ढाई जोड़ दी तो एक सैकड़ा, 9 सैकड़ा में एक सैकड़ा जोड़ दिया तो 10 सैकड़ा, यानी कि 1000। तो ये आप इस तरह लिखते हैं 1000, और इसको इस तरह शब्दों में लिखेंगे 1000। हमको शब्दों में लिखना बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा होता है कि गलतियाँ करते हैं, सही तरह लिख नहीं पाते हैं। क्या होता है, 39 होता है कि 49 होता है कि 39 होता है, कुछ भी लिखते हैं। तो हिंदी में बहुत ज़रूरी सीखना, भारतवासी है, हिंदी हमारी मातृभाषा। लाल कार्ड पर जितना अंक लिखा है उतना हमारा, हर कार्ड पर जितने अंक उतने सैकड़े, पीले कार्ड पर जितना अंक लिखा है उतनी ढाई, तथा नीले कार्ड पर जितना अंक लिखा है उतनी इकाई। अब ये खेल है, आप इस तरह खेल सकते हैं और इस तरह आप बांट सकते हैं, तो आप जोड़ेंगे जीतेंगे, तो मिलाकर देखो, ये एक्टिविटीज है। अब लाल कार्ड पर कौन सा अंक लिखा, तो जो भी लिखा होगा वो 1000 में है। हरे कार्ड पर कौन सा अंक लिखा, माने कि 6 अगर लिखा आपके हरे कार्ड में, कई कार्ड बनाइए हरे रंग के, तो अगर 6 लिखा तो वो 600 पढ़े जाएंगे। तो इस तरह सभी को मिलाकर बनने वाली संख्या, फिर उसको शब्दों में लिखो। इसके बाद टोलियों के भी बच्चे आपस में अपने अपने कार्ड बांट कर, बदल कर भी नई संख्या बनाकर लिखें। एक्टिविटीज है, आप इसे कर सकते हैं। आओ गिनतारे पर संख्याएँ बनाएं। तो देखिए, ये यहाँ पर आप इकाई की तीली में कितनी गोलियाँ, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। अब इकाई में गिनिए 1, 2, 3, 4। तो ये गिनतारे बहुत अच्छा, 6000, ये 1000 का, अब 1000 पर कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6000 हो गया। 200, ढाई दो है, 220, तीन, सॉरी ये कलर वाइट कलर में, 230, और इकाई कितनी है 5, तो 6235 हो गया। इस तरह अब तुम भी गिनतारे पर संख्याएं दिखाओ। अब देखिए, यहाँ पर 2, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 1000 पर 2 है, तो 1000 पे यहाँ पर हम 2 बॉल लगाएंगे, यहाँ पर सैकड़ा पर 1, तो 1 बॉल लगाएंगे, ढाई पर 8, तो 8 बॉल लगाएंगे। इस तरह हम संख्याओं यहाँ पर बॉल लगाएंगे, और इस तरह आओ कार्ड से संख्याएँ बनाएं, 1000, 2000, 3000, उसके बाद यहाँ पर 9000, तो कितने कार्ड, और इस तरह आप जोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब संख्या 3285 बनाते हैं। तो सबसे पहले 3000 का कार्ड लें, उसके ऊपर 200 लिखा है, 3250, 200 का कार्ड लें, उसके बाद 3 रखें, सभी शून्य ढक जाएं, इसके ऊपर 80 लिखा कार्ड, इस तरह दो बार दो लिखें। तो इस तरह हम संख्याएं यहाँ पर बना सकते हैं, कार्ड के ऊपर कार्ड रखना है, ये एक्टिविटीज हैं। अब चलिए एक्सरसाइज भी कर लें, समझें संख्याओं में स्थानीय मान, बहुत ही महत्वपूर्ण, प्लेस वैल्यू, और एक होता फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, और जो फेस वैल्यू होता है उसका वास्तविक मान, यानी कि वो संख्या वास्तव में कितनी है।
स्थानीय मान और वास्तविक मान। जैसे कि एक उदाहरण से समझें कि कोई ऑफिस है, वहाँ पर बहुत से अधिकारी हैं, पुरुष अधिकारी, तो उनका वास्तविक मान तो वो है कि सभी पुरुष हैं, और वो किस पद पर हैं वो उनका स्थानीय मान होगा। इसी तरह यहाँ अंकों में 3285 ऐसे बढ़ते, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो जो भी होता उसका उतना ही, ये हजार के स्थान पर रखा तो उसमें हजार का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर 3288 हो गया। तो इस तरह संख्याएं 3000 में 3 का स्थानीय मान 3000, 2 का 200, बहुत महत्वपूर्ण, आप जहाँ पर वो रखी हो उतना ही उसमें गुणा, सैकड़ा पे रखी है तो सैकड़ा 100 का गुणा कर दीजिए। अब तुम नीचे लिखी संख्या में पूछे गए अंक का स्थानीय मान बताइए, अब 5762 में 5 का, तो सीधी बात इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो 5000 का स्थानीय मान 5×1000 यानी कि 5000। कभी कभी एक ही संख्या में दो अंक होते हैं, जैसे कि 5 यहाँ भी है यहाँ भी, तो यहाँ पर हजार है तो यहाँ पर ढाई होगा, 50, छोटी बड़ी संख्याएं बताइए। तुम कैसे पता करोगे 5, 78 और 4 से 81 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो देखिए कौन सी संख्या बड़ी है या कौन संख्या बड़ी, इसलिए जो बड़ी हो उसकी तरफ ये चिन्ह लगाएंगे। छोटी बड़ी संख्याओं की जानकारी हम ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले दी गई संख्या कितने अंकों की, जी पहचान करने का तरीका, ये बहुत प्रश्न आता है, तो पहले अंक गिनो उसमें कितने हैं, यहाँ पर 3 है, अब पता लगा यहाँ पे 42, तो सबसे पहले ये तो ऐसे ही बड़ी होगी। कभी कभी क्या होता है छोटे अंकों में बड़े, जैसे यहाँ 99 केवल लिखा है और यहाँ पर 57 है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ 99 लिखे दिए बड़ी, पहले अंकों की संख्या देखो कितने, इसमें 3 तो बड़ी वो हो गई, अगर वो भी बराबर है तो फिर आप ये देखो पहला अंक किसका बड़ा, पहला भी अगर बराबर तो फिर आप देखो कि दूसरा अंक किसका बड़ा, दूसरा भी बराबर, तीसरा, तो इस तरह हम छोटी बड़ी का अनुमान लगाते हैं, ज्ञात करते हैं। तो इस तरह हम अपनी बड़ी छोटी संख्या का ज्ञान करते हैं। अब ये लिखिए दोनों का क्रम बनाइए, देखेंगे सबसे पहले अंक किसका बड़ा, ये बड़ा, तो 4, तो ये वाली सबसे बड़ी हो गई। उसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, अब इन तीनों में तो ये तीनों एक तरीके से हजार पे बराबर, अब इनका हम देखेंगे सैकड़ा पर, तो देखिए यहाँ पर सैकड़ा पर 8 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, सॉरी यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो ये वाली बड़ी हो गई 38.5। तो इस तरह हम छोटी बड़ी संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। बढ़ते क्रम में संख्याएं घटते क्रम में लिखी, यानी कि बढ़ते क्रम यानी आरोही, घटते क्रम अवरोही, आरोही मीन्स चढ़ना, अवरोही मीन्स उतरना, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस तरह 10 इकाइयाँ मिलकर एक ढाई और 10 ढाइयाँ मिलकर एक सैकड़ा, उसी तरह 10 सैकड़ा मिलकर 1000, एक के दाहिनी ओर 3 शून्य लगा दें तो 1000। किसी संख्या में किसी अंक का विशेष जो मान होता है, स्थान विशेष, ये उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर ज्ञात होना चाहिए। अब यहाँ पर शब्दों में लिखो 3435, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह सब शब्दों में लिखो। और यहाँ पर जो इसी तरह अंकों में लिखो तो यहाँ पर 7812, 9028, तो देखिए 9028, ध्यान रखिए हमेशा 28, केवल 28 का मतलब ये इकाई ढाई पर रहेगा, और 9000 यानी कि 9, तो 9 के बाद हम 28 लिख देंगे तो वो 9 से 28 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि 9 के बाद एक जीरो लगा देंगे तो 9000 बन जाएगा और 28, इस तरह लिखते हैं। आप करिए, अभ्यास करिए, अपने शिक्षक से जांच कराएं। 845 खाली स्थान भरो, 845 में सैकड़ा कितना, 8, ढाई कितना, 4, इकाई कितना, 5 हो गया। तो इस तरह से ये आपका था, देखो और करो, एक्सपेंडेड फॉर्म है 2364, तो 2000 लिखा प्लस 300 प्लस, इस तरह सभी संख्याओं को लिखना। अब 6000 लिखेंगे, फिर यहाँ 300 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 20 और यहाँ पे लिखेंगे 8, खाली स्थान भरो, इस तरह आप बनाएंगे। इसमें 5000, 6 सैकड़ा, 6 दाई, 4 इकाई, तो यहाँ पर जोड़ कर लिखना है और यहाँ पर संख्या बना के लिखना है। नीचे दे संख्याओं में ये चिन्ह लगाइए, कौन सी बड़ी छोटी बराबर, पिछली एक्सरसाइज में कक्षा में भी किया, घटते और बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी कि आरोही अवरोही में लिखिए, आरोही और अवरोही में लिखिए, सही जोड़े मिलाओ। अब 4000 तो ये जोड़े भी मिलाना है, 6052 तो 6052, ये 6000 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, आपको मिलाना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हुई प्रथम, पहली एक्सरसाइज, अब संख्याओं मिलन दूसरा पार्ट है वो भी करेंगे। पूरी किताब आप एक बार देख लेंगे तो आपका बेसिक बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा, और गणित का जिसका आधार मजबूत, समझिए उसी का गणित अच्छा। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।